सबसे अच्छी चीज़ है, शायद मिल जाए, ये सबसे बेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज आपके लिए लाया एक देसी टोटका। जो कमज़ोरी का शिकार हैं, जो अपने पार्टनर को खुश नहीं कर सकते, जिन्होंने बचपन में बहुत गलतियां की हैं, उनके लिए आज लाए हैं एक ज़बरदस्त टोटका। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर जो है ना देखो आपको कितना फ़ायदा आएगा। आप मुझे जो है ना दुआएं करेंगे, लेकिन दवाई आपने जैसे मैं बताऊंगा आपने वैसे ही बनानी है और खानी भी है। ये नहीं है कि आप बस बना के फेंक दें, ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले आपने लेना है लहसुन, ये देख लें, ये आपको किचन में आसानी से मिल जाएगा। ये एक दाना लहसुन का ले लें, बाद में आप एक कप ले लें, खाली कप ले लें, उसके बाद आप नैसे कॉफ़ी ले लें, ये आसानी से मिल जाती है, आप कहीं से भी ले लें आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आपने एक चम्मच लेना है, ये कद्दूकस आपने ले लेना है, ये देखें। इसको जो है ना अभी फटाफट बना लेते हैं, आपको तरीकाकार पूरा समझाता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो नए हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये बना लेते हैं अभी जल्दी, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। ये नहीं सोचना कि बस यही बता दिया, बस यही जाके बना लें, आपको फिर कुछ फ़ायदा नहीं आएगा। अभी देख लें, इसको ऐसे कद्दूकस कर लेते हैं। ये कद्दूकस कर लिया है, जितना भी इसका जो है ना रस वगैरह है इसी काम में ही डालना है। आपने ये देखो फिर कॉफ़ी लेनी है, ये देखें इसके अंदर बस इतना बहुत है, ये इसके अंदर डाल देना है। फिर आपने जो है ना इसके अंदर क्या ऐड करना है, शहद, शहद आपको मिल जाए ये ऐड करें, ये सबसे बेस्ट है। शहद ना मिले तो आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी भी कर सकते हैं, शहद सबसे अच्छी चीज़ है, शहद मिल जाए ये सबसे बेस्ट है। शहद ऐड करते हैं हम, शहद ऐड कर लिया। फिर आपने पानी को गर्म कर लेना है, आपने इसके अंदर गर्म पानी डाल लेना है। इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने, ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल ये मिक्स हो जाए। इसका आपस में जूस जो है ना मिलना चाहिए, शहद और लहसुन ये मिक्स होना चाहिए, कॉफ़ी ये मिक्स हो जाएगी। तो ये देखो अभी ये ड्रिंक तैयार है। ये जो है ना आपने ऐसे एक हफ्ता आपने ट्राई करना है, तो देखो आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।